समग्र शिक्षा नुह द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुनहाना में दिव्यांगजनों के सहायतार्थ एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 163 दिव्यांग बालकों ने भाग लिया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर समग्र शिक्षा के प्रमुख अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रहमान खान पहुंचे। डॉक्टर अब्दुल रहमान खान ने सभी दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उनके अभिभावकों से उनका हालचाल जाना। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात कर शिविर का मुआयना किया है। आपको बता दें कि 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों एवं विद्यार्थियों हेतु समग्र शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से चिकित्सा आकलन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए, पुराने रिन्यू किए गए, बस पास, रेल पास बनाए गए, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, दृष्टिहीनों हेतु चलन छड़ी, ब्रेल किट, मानसिक विमंत बच्चों हेतु क्रियाकलाप किट, मानसिक आघात वाले बच्चों को विशेष कुर्सी के लिए आवेदन मांगे गए व कान की मशीन, विशेष जूते, वैसाखी व दिव्यांग बच्चों की अन्य आवश्यकताओं का माप लिया गया है। आपको बता दें, डीपीसी डॉक्टर एआर रहमान खान ने कहा कि दिव्यांग पालकों की डिसेबिलिटी नहीं बल्कि उनकी एबिलिटी देखनी चाहिए। दिव्यांग पालकों में विशेषताएं होती हैं। उन्होंने कहा कि आपके विद्यालय, परिवार, पड़ोस, गली, मोहल्ले, समाज, गांव अथवा शहर में किसी दिव्यांग बच्चे को उक्त सुविधाओं की आवश्यकता है तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुनहाना से संपर्क कर दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कभी भी मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवा से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे पुनहाना खंड का आईडी मेडिकल कैंप था, इसका आयोजन हमारे आईडी बीआरसी द्वारा किया गया था। मैंने अपने पांचों ब्लॉकों में आईडी कैंप के 50,000 रुपए आयोजन करने के लिए भेजे हुए हैं, जो हमारे समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आयोजित किए जाते हैं। जी सर, पुनहाना खंड के अंदर 170 आईडी बच्चे हैं, जिनका आज मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से 6 टीमें हमारे पास आई हुई थी और एक टीम अलिम्को की थी। जी सर, उन्होंने इन सारे बच्चों का मेडिकल चेकअप किया और जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट इनको दिए जाने हैं वो भी अलिम्को की तरफ से इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से भी टीम आई हुई थी, जो मौके पर ही इन बच्चों के सर्टिफिकेट इशू कर रही थी। जी सर, इसके अलावा रोडवेज की तरफ से भी एक टीम आई हुई थी, जो इनके पास वगैरह बनाने का कार्य मौके पर ही कर रही थी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, समग्र शिक्षा की तरफ से ये मेडिकल कैंप बड़े सफल रहे और ये केवल खंड पुनहाना में ही आयोजित नहीं किया गया बल्कि इससे पहले नुह ब्लॉक में आयोजित हुआ। जी सर, इसके अतिरिक्त कल हमारा ये आईडी मेडिकल कैंप ताउडू ब्लॉक में होगा, परसों फिरोजपुर छिरका होगा और लास्ट 18 तारीख को नगीना ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा। और ये आईडी मेडिकल कैंप की जो समग्र शिक्षा अभियान की योजना है बहुत ही अच्छी योजना है और इससे गरीब लोगों को, आईडी बच्चों को बड़ा फायदा पहुंचा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आज के इस कैंप में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारी संख्या में आज इस आईडी कैंप